सो हमारा ये मास्क मेकिंग जो हम बनाते हैं, पहले स्टिक ये होता है, मतलब बेम्बू से छोटा छोटा पहले स्टिक बनाते हैं, और स्टिक से हम ये एक स्पेसिफिक वे में हम इसको वेव करते हैं और ये फ्रेम बनाते हैं, और उसके बाद इसको हम कवर कर देते हैं कपड़ा और मिट्टी, मतलब कपड़ा में ये कुम्हार मिट्टी कहते हैं हम, कुम्हार मिट्टी बोलते हैं, ये कुम्हार मिट्टी कपड़ा में लगा कर इसको कवर कर देते हैं, ये सेकेंड स्टेप। और इसके ऊपर हम शेप देने के लिए ये गाय का गोबर, काउडंग, गाय का गोबर इसको यूज़ करते हैं। ये जो काउडंग हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा घर का ही है, मतलब हमारा घर में ही गाय है और वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, और ये काउडंग हम अभी ये शेप देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये शेप ऑलमोस्ट हो गया, तो इसके बाद हम इसको कवर करने के लिए ये कॉटन का कपड़ा है, और ये कॉटन कपड़ा में थोड़ा सा ये होता है कुम्हार मिट्टी, ये कुम्हार मिट्टी कॉटन कपड़ा में ऐसे लगा के, ये कुम्हार मिट्टी भी हमको खरीद कर लाना पड़ता है, हम ये सालमरा करके एक विलेज है, वो भी उस विलेज से हम खरीद कर लाते हैं। और इस ये सीप देने के बाद इसके ऊपर हम पहले जैसे हम इसमें कपड़ा और मिट्टी लगाया, और सेम तरीके से हम इसके ऊपर भी, काउडंग के ऊपर भी कपड़ा और मिट्टी लगाकर इसको कवर कर देते हैं, ये फोर्थ स्टेप में। और सूखने के बाद हम कलर जो यूज़ करते हैं, वो हम पहले तो हम नेचुरल कलर यूज़ करते थे, लेकिन वो मतलब कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम होते हैं, सो इसीलिए जो मार्केट में आर्टिफिशियल मतलब एक्रेलिक कलर और ऑयल ऐसे पेंट हम अभी यूज़ करते हैं, और कलर करने के बाद कुछ ऐसा मतलब निकल के आएगा।